हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी तनु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट मीनिंग ऑफ साइकेट्रिक डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अबाउट मेंटल इलनेस। So guys, without any further delay, let's get into the video. Mental Health Act was drafted by Parliament in 1987. So जो Mental Health Act था, ये Parliament ने draft किया 1987 में, came into effect in all states and union territories of India in April 1993. So ये जो act है स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में इफेक्ट में आया, मींस यूज़ में आया अप्रैल 1993 में। रिप्लेसेस द इंडियन लुनेसी एक्ट ऑफ 1912। सो जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 1987, इसने रिप्लेस किया था जो इंडियन लुनेसी एक्ट था 1912 का, उसको, विच हैड अर्लियर रिप्लेस्ड द इंडियन लोनाटिक असाइलम एक्ट ऑफ 1858। सो जो इंडियन लोनेसी एक्ट था, इसने पहले जो इंडियन लोनाटिक असाइलम एक्ट था 1858 का, उसको रिप्लेस किया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। सो जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, ये लॉ का यूज़ करता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के प्रमोशन के लिए, इलनेस के प्रिवेंशन के लिए, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर लाइसेंसिंग एंड सुपरवाइजिंग द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जो सेंट्रल और जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करना, ताकि जो ये सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, ये सुपरवाइज कर सके और लाइसेंसिंग कर सके जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं उनकी। सेकेंड वन इज़ टू इस्टेब्लिश साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम। जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स को इस्टेब्लिश करने का था सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज़ टू चेंज ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंडियन लोनासी एक्ट टू न्यू स्मूदर वन। सो जो इंडियन लोनासी एक्ट था, उसकी जो ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजीज थी उनको कन्वर्ट कर सके न्यू जो स्मूदर वंस हैं उनके अंदर, ठीक है। सो गाइस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ to protect the society from dangerous manifestation of mentally ill, means society को protect करना, जो mentally जो illness होती है उससे society को protect करना, ये है fourth objective. Now fifth objective क्या है, to regulate procedure of admission and discharge of mentally ill persons. रेगुलेट करना जो प्रोसीजर होता है एडमिशन का और डिस्चार्ज का जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनका। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड अ चेक ऑन वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल्स। सो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो हॉस्पिटल्स होती हैं उसकी जो वर्किंग होती है उसको चेक करना। सेवन्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर मेंटली इल क्रिमिनल्स एट स्टेट एक्सपेंस, ठीक है, लीगल एड प्रोवाइड करना जो पुअर मेंटली इल क्रिमिनल्स होते हैं स्टेट एक्सपेंसेस पर। एट्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कस्टडी ऑफ मेंटली इल पर्सन्स हु आर अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनकी जो कस्टडी है उसको प्रोवाइड करना, जो अपनी मींस लुक आफ्टर नहीं कर सकते, अपनी केयर नहीं कर सकते, ठीक है। नाइन्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ मेंटली इल।
जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना। सो गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चैप्टर आते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कुछ चैप्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेंटली इल पर्सन, मींस अ पर्सन हु इज़ इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। सो मेंटली इल पर्सन कौन से होते हैं? ये वे पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ट्रीटमेंट के नीड में होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मेंटली डिसऑर्डर होता है, उससे सफ़र कर रहे होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के अलावा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर इन साइकेट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो मीन्स जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है, मीन्स इनके पास डिप्लोमा होता है साइकेट्री में, ये और ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो जो माइनर होते हैं, मीन्स जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, वो होते हैं बिलो 18 ईयर ओल्ड वाले होते हैं, उनको माइनर कहते हैं। अब जो अबव 18 ईयर ओल्ड वाले होते हैं, जो इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं मेजर। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेडिकल ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड परमिटेड टू प्रैक्टाइल, ठीक है। सो ये गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, और ये परमिटेड होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको करने के लिए। गाइस, नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसका जो चैप्टर 2 होता है, इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर डेवलपमेंट रेगुलेशन डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो चैप्टर 2 के अंदर ये डील करता है जो सेंट्रल और जो स्टेट अथॉरिटीज होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, रेगुलेशन हो सके एंड एक अच्छी डायरेक्शन मिले उसके लिए एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। नाउ थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स। सो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि इस्टेब्लिशमेंट हो सके और मेंटेनेंस किया जा सके जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं और नर्सिंग होम्स होते हैं उनका। फोर्थ चैप्टर के अंदर आता है, डिस्क्राइब्स प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिफ्थ चैप्टर, दिस सेक्शन डील विद इंस्पेक्शन। सो जो फिफ्थ चैप्टर होता है इसके अंदर ये डील करता है इंस्पेक्शन के साथ, मीन्स जो वर्किंग होती है हॉस्पिटल्स की, ठीक है, उसको चेक करता है हॉस्पिटल्स में अच्छे से फैसिलिटीज़ और जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनको। सो नेक्स्ट है सिक्स्थ चैप्टर, इट डील्स विद जुडिशियल इंक्वायरी रिगार्डिंग इल पर्सन। ये डील करता है जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है, उसके साथ ये डील करता है। सेवन्थ चैप्टर है नेक्स्ट, डील्स विद एक्सपेंडिचर वेज एंड मीन्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये डील करता है कि कैसे जो मनी है, टाइम है, एनर्जी है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन। सो एट्थ चैप्टर होता है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल। सो इस चैप्टर के अंदर जो मेंटली इल पर्सन होते हैं ये उसके जो राइट्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन को डिस्क्राइब करता है। नाइन्थ चैप्टर है नेक्स्ट, इट डील्स विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स। ये डील करता है जो प्रोसीजर होता है जो किया जाना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं और नर्सिंग होम होते हैं उनका। सो लास्ट 10th चैप्टर होता है, इट डील विद क्लैरिफिकेशन टू डू सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मेडिकल ऑफिसर। सो इसके अंदर ये डील करता है जो सर्टेन जो प्रोसीजर जो किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन के साथ। सो मेडिकल ऑफिसर कौन होता है? ये इंचार्ज होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल का, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो।